अपना खाना खुद ले रही है। अच्छा, हम अपने बेटे को अपने से दे रही थे, हमको बहू पर भरोसा नहीं है। कि हमारे घर में आया हुआ है एक कबूतर, वो भी नवरात्रि के दिन बहुत अच्छा होता है। अभी हमारे घर में एक बहुत अच्छा फंक्शन आने वाला है, एक तो प्रियांश का बर्थडे, दूसरा हमारे घर में एक जनेऊ होने वाला है हमारी दीदी के बेटे का। उसके लिए मैं कुछ तैयारियां कर रही हूँ। जनेऊ में एक दिन पहले मटकोर होता है, उसमें येल्लो पहना जाता है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9:45 और हम लोगों का जो है खाना पीना हो गया है और क्रियांश भी, अच्छी बात है कि सो गया है। क्रियांश जब से नानी घर गया है तो क्रियांश की एक आदत हो गई है कि क्रियांश जो है आजकल सो जाता है 8:30 के करीब, और उसका माहौल जो है बन जाता है शाम के लगभग 7 बजे से सोने का माहौल बन जाता है, तो वह सवेरे ही सो जाता है। तो इसका एक साइड क्या है, अच्छा साइड कि वह सवेरे सोता है तो सवेरे जग भी जाता है, और जब सवेरे जगता है तो हम लोग का अच्छा रहता है कि हम लोग भी उसी के साथ साथ थोड़ा सवेरे ही उठ जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत क्या आती है कि जब वह थोड़ा सा लेट से सोता था, जैसे मान लीजिए कि 10 बजे 11 बजे, तो वह उठता था सुबह के 7 बजे 8 बजे के करीब। तो उस समय तक जो भी हम लोगों का सुबह का काम रहता था वह निपटा लिया करते थे, और फिर क्रियांश उठता था 8 बजे 9 बजे करीब, और फिर उसके बाद सोता था 2 बजे के करीब। तो जब वह 2 बजे सोता था तो कम से कम 2 घंटा तो जरूर नींद लेता था वह। तो उस बीच में हम लोग जो है अपना कुछ कुछ जो शूट करना होता था, चाहे रील का शूट करना हो, चाहे जिया का कुछ प्रमोशन सबका वीडियो सबका शूट करना हो, वो सब सारा शूट हो जाया करता था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा वो टाइम को सिंक करने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, काम ही नहीं कर रहे हम लोग। तो अब देखते हैं कैसे क्या रूटीन बनाया जाएगा, नया रूटीन वह भी चैलेंजिंग है। The next day. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और क्रियांश उठ चुका है, हम सभी उठ चुके हैं। जब क्रियांश उठ जाता है तो हम लोग भी उठ ही जाते हैं, चलते हैं उसको लेकर के छत पे। क्या कर लियो, इतनी सुबह जग गया, इतनी सुबह जग गया, सुबह जग गया, अब इसको लेकर के ऊपर जाओ, थोड़ा सा काम करके आते हैं। ठीक है चलो। मेरा बेटा जो है ना बहुत समझदार हो गया है ना, कितना है ना क्रियांश, पूछ ही रहे दिमाग का है कि पापा कर क्या रहे हैं। अलग सुबह सुबह आ गए अपने छत पे। हाँ क्रियांश उतरो, जाओ खेलने जाओ। गुड मॉर्निंग राधे राधे, बोलो राधे राधे बोलो। ये चैलेंज बॉय राधे राधे क्या देख रहा है, पकड़। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं जी, और 8 बजे जो है यह नाश्ता लगभग तैयार हो ही गया है। बाकी तुम्हारी ये भी रह गया है पपीता और साथ में तरबूज, क्योंकि क्रियांश आ जाएगा ना फिर नहा नहीं पाएंगे। ठीक है जाओ नहाओ और पूजा कर लो जल्दी से, क्योंकि वो आता है फिर उसके बाद जो है, अभी डैडी पकड़े हुए तो जल्दी जल्दी नहा लेंगे, नहीं नहाने देता ना पूजा करने देता चैन से, हमको है कि कम चैन से पूजा करो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये सब्जी हमारा तरबूज कट गया नीचे तो पहुंचा दिए मम्मी पापा को, और अब बारी है हमारे खाने की। तो इसको जो है थोड़ा देर हम पहले रेफ्रिजरेटर में ही रखेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तब ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है इसका। तो जल्दी से इसको जो है रख देते हैं, और जिया गई हुई है नहाने के लिए, अपना आएगी तो वो भी खाएगी बाद में। और गर्मी का मौसम आ गया है जी, और गर्मी के मौसम में जी इस तरह के फल जो है बहुत सारा मिलेगा खाने के लिए, अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, और कुछ समय बाद तो लीची भी आएगा और आम भी आएगा। तो गर्मी में बस एक थोड़ा सा दिक्कत है कि मौसम में थोड़ी सी दिक्कत होती है गर्मी मौसम में, लेकिन फल सब लगता है गर्मी मौसम में ही सबसे बेहतरीन फल मिलते हैं खाने को। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:30, और इस समय जो है हम आए हुए हैं नीचे क्योंकि खाना तैयार है। तो चलते हैं जी जल्दी से अपना खाना वाना खा लेते हैं। और क्रियांश भी सो गया है, क्रियांश की जैसा कि बताया कि उसका रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो क्रियांश अपने जैसे आपका नया रूटीन था उसी रूटीन के अनुसार जो है सो भी गया, और भूख भी लग गई है बहुत तेज। तुम कर क्या रही, जल्दी लगाओ ना खाना, तुम अपना खाना खुद ले रही है। अच्छा, हम अपने बेटे को अपने से दे रही थे, हमको बहू पर भरोसा नहीं है। हाँ तो जल्दी लगाया जाए, और साथ में जो है रसगुल्ला भी है ना है। अरे भाई क्या है, चावल दाल सब्जी किस चीज का है आज? सहजन आलू टमाटर। ठीक है, सलाद तो परमानेंट रहता है, लेकिन अब सलाद का क्वांटिटी हम चाहते हैं ज्यादा बढ़े और खाना कम खाए। हमारे हैसियत के अनुसार जो है आता ही है, नहीं तो कल से हमको दिखाइए तो ज्यादा है जी। नहीं कल से हमको एक झोला दे दिया जाए, तो कल जो हम जाते हैं सुबह सुबह तो लेते हुए आ जाएंगे। किराने कोई जरूरत नहीं है, 3 किलो खीरा मैं कल खरीदी हूँ, उसको खत्म होने दीजिए। अच्छा ठीक है, इसलिए सुबह में भी खाएंगे और खाने के साथ भी खाएंगे। तो मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, जम के खाऊंगा। लोग कमाता किस लिए, खाने के लिए, खाने और घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना लग चुका है, और खाने में
आलू और सहजन की सब्जी। सोहजन की सब्जी मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी घर में बनाए तो खाना पड़ेगा। और दाल सलाद तो होता ही है, चावल, ये चावल देख सकते हैं माँ लगाई तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। माँ जब भी खाना देती है ना थोड़ा ज्यादा ही दे देती है। अगर एक बार मैं खा पाई, अभी क्या हो रहा है ना कि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मुझे ज्यादा खाया नहीं जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और थोड़ा सा वीकनेस भी ज्यादा हो गया, आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी थोड़ा अपने सेहत का ध्यान दीजिए, आप बहुत ज्यादा वीक लग रही हैं। हाँ जी थोड़ा सा वीक लग रही हूँ, बट ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा ठीक। जब प्रियांश अभी थोड़ा छोटा है ना तो ज्यादा परेशान करता है। देखिए हमारे घर में आया हुआ है एक कबूतर, हम बैठे थे आराम से, मेरे घर पर से उड़ के आया और पूजा रूम के जाके ऊपर में आके बैठ गया। वो भी नवरात्रि के दिन बहुत अच्छा होता है। A few moments later. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल एक दिन पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बहुत सारा पार्सल रखा हुआ है और मेरा रूम जो है पूरा ये पूरा फैला के रखे हुए हैं। और ये अपना निकाल निकाल के देख भी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए देख रही होंगे, वैसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे पार्सल से, इसलिए क्योंकि कुछ होता है ना कि रिटर्न भी करना हो जाता है। अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं आया हो तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, उसमें 7 डेज का ही रहता है। और मैं यहाँ पे थी नहीं तो इन्हीं को मैंने बोला था कि आप ओपन करके देख लीजिएगा। तो मैं अभी नहीं देखती हूँ कि क्या क्या मेरा पार्सल आया हुआ है, आपके साथ मैं भी देखती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है। पहले तो सबसे पहले ये फर्स्ट ट्राई का तो जाना हुआ है कि क्रियांश का ही होगा। ये क्रियांश के लिए इन्होंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या मंगवाया है, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। जो भी है फिलहाल मैं इसमें रख देती हूँ, उसकी चीज़ों को मैं छेड़ती नहीं हूँ। बाकी ये मैंने इनके लिए मंगवाया हुआ, ये वेट लॉस करने वाला कुछ है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखती हूँ इनके लिए। तो ये देख सकते हैं, बाकी मैं ये यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको इसका फीडबैक दूंगी कैसा है नहीं है। इसको भी रख देती हूँ, उसके बारे में बस मैंने पढ़ा, यूज़ नहीं किया, इसके बारे में मैं बताऊँगी। और अभी हमारे घर में एक बहुत अच्छा फंक्शन आने वाला है, एक तो क्रियांश का बर्थडे है, दूसरा हमारे घर में एक जनेऊ होने वाला है हमारी दीदी के बेटे का, उसके लिए मैं कुछ तैयारियां कर रही हूँ। ये लिपस्टिक का ये मिनी वाला मैंने मंगवाया हुआ है, मिनी लिक्विड, जो कि बहुत अच्छा है बहुत, इसके बारे में हमारी एक फ्रेंड ने बताया था, बहुत अच्छा होता है, एकदम ट्रेवल फ्रेंडली होता है, बहुत छोटा छोटा होता है और इसमें आपको मिल जाएंगे 12 सेट, देख सकते हैं 2, 4, 6, 12 सेट मिल जाएंगे। और इसमें आपको न्यूड और डार्क दोनों सेट मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। और इसका दाम जो है ना अभी ये 899 है, और अभी डिस्काउंट में हमने लिया है 599 में, जो कि बहुत अच्छा है, सेल है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। मैं इसको अपनी स्टोरी में, इंस्टा स्टोरी में डालूंगी, देखती हूँ जब हो जाएगा तो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग ले लीजिएगा। बाकी एक मैंने क्रियांश के लिए मंगवाया है, तो ट्रेवल करूंगी, जाऊंगी, मधुबनी में है, दरभंगा मधुबनी में, तो क्रियांश के लिए मैं, अब बड़ा हो गया क्रियांश तो उसके खाने के लिए मैंने कुछ चीजें इसमें लंच बॉक्स में मैंने रख के जाऊंगी, क्योंकि बाहर की चीजें तो बच्चों को जितना मतलब नहीं खिलाओ उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए मैंने एक लंच बॉक्स मंगवाया हुआ है क्रियांश के लिए, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। ये सारा जो मैंने लिया है ना इंस्टाग्राम से लिया है, तो वहाँ पे मैं डाल दूंगी, इंस्टाग्राम से जहाँ से मैंने लिया वो की आईडी डाल दूंगी, सजावट ऑफिशियल है। बाकी यहाँ पे मैं नंबर भी डाल दूंगी, अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इसके अंदर आपको ये चम्मच और फॉर्क भी मिल जाएगा, ऐसे रख के, बाकी ऐसे रख लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने मंगवा लिया, क्योंकि क्रियांश रहेगा तो उसके खाने की चीज़ें इसमें डाल करके मैं लेके जाऊंगी। और इसके बाद दूसरा पार्सल दिखाती हूँ, इसमें है साड़ी, ये देख सकते हैं मरून कलर का ब्लाउज है जो कि बहुत अच्छा है, और इसके बाद ये वाइट साड़ी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कुछ अलग इस बार मैंने मंगवाया हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि जी अगर सिर्फ पिंक और रेड येलो ये सब पसंद है, तो मुझे पसंद है बट ये मैंने थोड़ा अलग मंगवा लिया है आप लोगों की वजह से। और इसके बाद अभी गर्मी आ रहा है तो नाइट ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, बाकी मैं यहाँ पहनती हूँ नहीं, कहीं बाहर बाहर जाती हूँ तो मैं पहनती हूँ, तो ये एक नाइट ड्रेस मैंने मंगवाया हुआ है पिंक कलर का जो कि बहुत अच्छा है। ये भी अगर आप लोग ये भी लेना चाहते हैं तो मैं इसकी भी नंबर डाल दूंगी यहाँ पर, उनके पेज पे मिल जाएगा आपको, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लीजिएगा। ये शॉर्ट्स भी है, अगर आप शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हो शॉर्ट्स भी इसके साथ मिल जाएगा, बाकी ये लॉन्ग भी मिल जाएगा, जिसको जैसा पहनना पसंद है, दोनों इसके साथ मिला हुआ है। और इसके बाद जो है एक और साड़ी मैंने मंगवाया है जो कि बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा,
ये देखिए येलो कलर की साड़ी। अभी मैं जा रही हूँ ना जिस फंक्शन के लिए, उसके अकॉर्डिंग से मैंने ये मंगवाया हुआ है। हल्दी होता है कि पता नहीं क्या होता है, मटकोर होता है, उसमें येलो कलर का पहना जाता है, उसमें मैं ये पहनूंगी। जनऊ में एक दिन पहले मटकोर होता है, उसमें येलो पहना जाता है, उसी के लिए मैंने मंगवाया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर साड़ी है। देख सकते हैं नेट पे पूरा वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छी साड़ी है। बाकी अभी तो इतना ही कुछ मैंने मंगवाया हुआ है और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और इधर उधर होगा, जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। कैसा लगा आपको हमारा ये सारा जो भी पार्सल आया हुआ है मैंने दिखा दिया, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा ये साड़ी पसंद है, और एक रेड कलर की साड़ी मैंने मंगवाई हुई है, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो मैं उसे भी दिखाऊंगी। वो एकदम मस्त साड़ी है, जिम्मी चू की साड़ी, अभी जो ट्रेंड में है ना, उस पर पूरा वर्क किया हुआ है, आएगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल आगे जो होता है मैं दिखाती हूँ। अभी क्रियान सोया हुआ है तो जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, क्योंकि सबका भी ब्लाउज सिलवाना है, इस वजह से मैंने निकाल लिया है, सबका निकाल निकाल के ब्लाउज सिलवा लूंगी, क्योंकि बहुत कम दिन है।